बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, बांग्लादेश से खबर जहां हिंदू मंदिर पर एक बार फिर से हमला बोला गया है। बताया जा रहा है कि काली मंदिर में जिहादियों ने इस बार हमला बोला है और इस मंदिर को निशाना बनाया है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बांग्लादेश के कुश्ता जिले में कट्टरपंथियों ने काली माता मंदिर पर अटैक किया था, मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। घर मकान मंदिर पर हमले के बाद अब कट्टरपंथी हिंदुओं की नौकरी भी छीन रहे हैं। जबरन उनसे दस्तखत करवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो वादा किया गया था अंतरिम सरकार के प्रमुख के द्वारा, उनकी तरफ से, मोहम्मद यूसुफ की तरफ से, ये कहीं से भी सच होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं जहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, बाजारों को जलाया जा रहा है, उनकी नौकरी जबरदस्ती छीनी जा रही है। सबके बीच एक और तस्वीर सामने आई है जहां काली मंदिर में जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने ये तोड़फोड़ की है, बांग्लादेश के काली माता मंदिर को तोड़ दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया। ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं और इसी के साथ काली माता मंदिर को भी इनकी तरफ से नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पिछले दिनों भी जमकर मारकाट की तस्वीरें सामने आई, खबरें मिली, हिंसा और बवाल हुआ, इसके बाद सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए, राजनीतिक घटनाक्रम भी हमने देखा। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, उनकी बहन बेटियों के ऊपर हमले बोले गए, अत्याचार हुए, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चाहे उस लड़की की तस्वीर हो जिसे जबरन पकड़कर ले जाते, उपद्रवी दिखाई दिए थे, या फिर उस शख्स की तस्वीर हो जो जान अपनी बचाने के लिए कूद जाता है नदी में। अब ये दो तस्वीरें और आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में मंदिर पर हमला हुआ है, काली मंदिर बताया जा रहा है जहां पर इन्होंने हमला किया है, जिहादियों ने एक बार फिर से तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। कट्टरपंथियों के निशाने पर है हिंदू और अब तो उनकी नौकरी भी छीनी जा रही है, जबरदस्ती दस्तखत कराए जा रहे हैं, सिग्नेचर कराए जा रहे हैं और उन्हें काम से निकाला जा रहा है। यानी कि हर रूप से उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, चाहे मानसिक तौर पर बात हो, शारीरिक तौर पर बात हो, मारपीट की जा रही है या फाइनेंशियल बात करें तो ऐसे भी चोट पहुंचाने की कोशिश जारी है। और बांग्लादेश के बाद अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली बमबारी की नई तस्वीरें सामने आई हैं और दावा किया गया है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। तो दुनिया दो मोर्चों पर जंग का खतरा झेल रही है, एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ इजराइल है और लगातार हमलों की खबर भी सामने आ रही है। और इसके बाद जो वहां पर हालात पैदा हो गए हैं वो बता रहे हैं कि चीन सागर में हालात तनावपूर्ण हैं, जिसको रोकने के लिए तमाम कदम भी अलग अलग जगहों से उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ मौजूदा हालात देखिए रिपोर्ट में। दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी है, बाकियों का ध्यान इजरायल और हमास की जंग में है, रहा सहा फोकस ईरान पर है। लेकिन जहां कोई ध्यान नहीं दे रहा जंग का मैदान, तो वहां बन रहा है, जी हां,
समंदर में क्या दुनिया की दो महाशक्तियां भिड़ने वाली हैं? क्या इस महासमर की शुरुआत साउथ चाइना सी से होगी, जहां चीन और अमेरिका आमने सामने हैं? क्या इस जंग की वजह बनेगा फिलीपींस? दक्षिणी चीन सागर में हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं। इसकी ताजा वजह है चीन और फिलीपींस के जहाजों के बीच समुद्री चट्टान पर जाने के दौरान फिर से हुई भीषण टक्कर। चीन के कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि हमने चेतावनी दी थी, मगर फिलीपींस ने नजरअंदाज किया और हमारे जहाज को टक्कर मार दी। इसके बाद से दोनों देशों की ओर से धमकी भरे बयान आ रहे हैं। चीनी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता गैंग यू ने कहा है कि फिलीपींस के जहाज ने सिस्टम को तोड़ा है, अगर वो हमें उकसाएंगे तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। तो वहीं फिलीपींस ने पलटवार करते हुए कहा कि चीनी जहाज हमारे इलाके में घुस आए थे और वो खतरनाक तरीके से युद्धाभ्यास कर रहे थे। चीन की हरकतें हर कोई जानता है, ताइवान हो या फिलीपींस, हर जगह वो ऐसे करतूत को अंजाम देता है। इसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी घातक मिसाइल सिस्टम को यहाँ तैनात कर दिया है, जिससे चीन खड़क उठा है। क्या फिलीपींस के समुद्री मैदान में चाइना अमेरिका में जंग होने वाली है? इस एरिया में अमेरिका और चाइना के बीच में जो इस तरह की तनातनी है, उससे लगता है कि जैसे रूस और यूक्रेन में या इजराइल और हमास में ऑलरेडी दो वार फ्रंट खुले हुए हैं, तीसरा वार फ्रंट साउथ चाइना सी में भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। चीन और अमेरिका की अदावत जग जाहिर है। बाइडेन दक्षिणी एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन विरोधी देशों के साथ खड़े रहते हैं। ताइवान इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा चाहने वाले ड्रैगन की पूंछ पर अमेरिका ने फिलीपींस में मिसाइल वाला पांव रख दिया है, तो क्या समंदर में जंग की चिंगारी भड़कने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस और यूक्रेन जंग की बात करें तो इस युद्ध में समय यूक्रेन आगे बढ़कर जेलेंस्की आगे बढ़कर रूस पर हमले हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, और लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो रूस के अंदर तक यूक्रेन की सेना घुस गई है और उन पुलों को निशाना बना रही है जो कि रूस के लिए जीवनदायक है। ऐसे में किस तरीके से पुलों को ध्वस्त करके रूस को तोड़ा जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पुल किया धराशायी, यूक्रेन का जोश हाई, हथियारों को देते धार, क्या पुतिन करेंगे पलटवार? रूस और यूक्रेन की जंग खतरनाक अंजाम की ओर जा रही है, धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं। क्रीमिया में पुल उड़ाने के बाद की धधकती तस्वीरें अब तक आप सबको याद होंगी, लेकिन रूस में कई किलोमीटर तक घुस चुकी